हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आज का जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे अगर मैं कोई भी आगे वीडियो अपलोड करता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी। तो हमें पता है टोटल चॉकलेट कितनी है 21, और उनका रेशियो कितना है, मतलब 5:2 के रेशियो में डिवाइड की जाती हैं। ओके, मतलब अगर हम लोग 5+2 को जोड़ दें तो वो हमारा 21 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो 21 चॉकलेट है वो रेशियो में बांटी जाती है, मतलब 7:21 के। तो 1 कितना होगा, 21/7, तो मतलब 1/3 के हो जाएगा। तो छोटा हिस्सा हमारा 2 हो गया और बड़ा हिस्सा 5 हो गया। तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट है, 2:1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 2×3, तो आंसर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज का जो मैथ का जो पेपर था बहुत ही इजी था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, माहिम ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए हैं, माहिम द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का परसेंटेज बताइए। मतलब 175 टोटल पूरी परीक्षा, 175 मतलब 100% मान सकते हैं टोटल, ग्रैंड टोटल, मतलब 175 बताओ, 175 बराबर कितना हो जाएगा 100%। तो पूछ रहा है कि 126 अंक प्राप्त किए हैं, तो 126% बराबर क्या हो जाएगा, x मान लेंगे, x परसेंट, मतलब अंकों का परसेंटेज बताना है। तो क्या हो गया, 175 की वैल्यू कितनी 100%, 126 की वैल्यू x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 126×100/175। काट पुट के क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 72%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 35/12% क्या होगा। तो का मतलब क्या होता है, या ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 35×12% का परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तो ये हम लोग काट देंगे, तो कितना आ जाएगा 7×6/10, तो ये 2 से काटेंगे, ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 5, तो 21/5 आ जाएगा हमारा आंसर, या कह सकते हैं 4.2। अगला क्वेश्चन है कि रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है, रमेश भाई वस्तु किस कीमत पर खरीदी थी। तो बेचने का मतलब होता है विक्रय मूल और खरीदने का मतलब होता है क्रय मूल। तो अगर जैसे कि कोई क्रय मूल 100 है, इसमें अगर प्रॉफिट को ऐड कर दें या लॉस को घटा दें तो वहाँ हमारा क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस। ओके, प्रॉफिट कितना हो रहा है 24%, मतलब 124% की वैल्यू कितनी हो गई 434। तो पूछ रहा कि किस कीमत पर खरीदी थी, मतलब क्रय मूल बताना हमें, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा x क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 434×100/124, तो क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 434×25/31, ये काटेंगे 31 से 4 जाएगा, तो 25×100, तो क्रय मूल का मान कितना आ जाएगा 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया था, खिलौने का अंकित मूल बताइए। तो हम लोग MRP मतलब अंकित मूल को हमेशा 100% मानते हैं, और अगर इस पर डिस्काउंट दे दिया जाए उसको घटा दें डिस्काउंट से, मतलब 10% मान लो, जैसे कि इसमें 12% की छूट दी जा रहा है, डिस्काउंट दिया जाए तो कितना हो जाएगा 88%। तो ये जब भी डिस्काउंट को हटा दिया जाता है तो वो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाता है। ओके, तो 88% की वैल्यू कितनी 132, तो MRP अंकित मूल पूछा जा रहा, तो अंकित मूल को हम लोग 100% मानते, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी x मान लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 132×100/88, तो काट पुट के आंसर आ जाएगा 150। अगला क्वेश्चन है कि 30, 60, 72 का HCF क्या होगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 के हम लोग फैक्टर करेंगे 2×3×5, फिर 60 का फैक्टर करेंगे 2×2×3×5, फिर 72 का फैक्टर करेंगे 2×2×2×3×3। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें तीनों में कौन कौन से कॉमन आए, तो देखिए 2 कॉमन मिल गया हमें, तो 2 लिख लिया, फिर देखिए 3 मिल रहा है 3, ये देखिए 3 मिल गया हमें कॉमन, 3 लिख दिया, 5 तीनों में नहीं मिला तो नहीं लिखा, तो 2×3 क्या हो जाएगा 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। HCF का मतलब भाई वो होता है जो सभी में कॉमन मिले। अगला क्वेश्चन है 9.87+6.54+3.21, तो इसको कैसे ऐड करेंगे।
तो वन देखिए कैसे ऐड करेंगे हम लोग, वन को ऐड किया, फोर को ऐड किया, सेवन को ऐड किया तो टू आया, बारह हो गया, तो वहाँ से लगा एक, तो जोड़ जोड़ के हमारा आंसर कितना आ जाएगा 19.62। ओके अगला क्वेश्चन है कि 4/5 बाद 2/3 के बीच का अंतर क्या होगा, तो 4/5 लिख लिया, 2/3 लिख लिया। ओके फिर क्या किया, ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया 3 का 4 में और 2 का 5 में, तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। अब इन दोनों का डिफरेंस कर लिया तो कितना आ जाएगा 2, इसको हम लोग अंश में रख लेंगे। ओके फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे। ओके तो कितना आ जाएगा 15, तो इसको हम लोग हर में कर देंगे और अपान में कर दें, हर में कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2/15, अंतर हमारा डिफरेंस कितना हो जाएगा 2/5, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए और PDF को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।